अब ऐसे आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मीडिया है, आपको क्या लगता है कि सही रोल अदा कर रहा है, और मीडिया की जो न्यूज है उस न्यूज को देख के लोग गुमराह हो रहे हैं या अवेयर हो रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया मैम। ये जो आज के हालात हैं, उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज की मीडिया कुछ ज़्यादा ही लोगों को गुमराह कर रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था जब इलेक्शन का ऐलान वगैरह हुआ था कि कुछ दिनों के लिए अपने घरों से टीवी का कनेक्शन हटा दें या इस मीडिया को नज़रअंदाज कर दें, इसलिए कि मीडिया होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, जिसकी वजह से लोगों में गुमराही पैदा होती चली जा रही है। मीडिया अगर चाहे तो अपना रोल सही से अदा कर सकती है, लेकिन नहीं अदा कर रही है मैम। आपसे ओखला के बारे में ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप ओखला में ही रहते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ आप किस पार्टी को वोट देंगे और क्यों? हम ओखला में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरह से पिछले 5 सालों में ये जो बीजेपी सरकार रही है, इसने बहुत सारी चीज़ें छलावा की हैं समाज के साथ, और धोखा दिया है समाज को, और झूठे वादे किए हैं इन्होंने, और पिछले 5 साल में देश की हालत बहुत पीछे ले जाके इन्होंने छोड़ दी है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों ने और हम लोगों ने तय किया है कि इसको कुर्सी से हटाया जाए और कांग्रेस सरकार लाई जाए। कांग्रेस ही वो सरकार है जो गरीबी मिटाओ और नौजवानों को रोजगार देने की योजना ला रही है। इससे पहले उन्होंने मनरेगा लाया था। अभी आप कांग्रेस के कामों से संतुष्ट हैं, कांग्रेस चाहते हैं? जी काम। और आम आदमी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय? आम आदमी पार्टी इस वक्त जो हालात उसके हैं, उसमें खुद खल्फशार मचा हुआ है उस पार्टी में। एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के वहाँ नहीं चल पा रहे हैं नेता, और जो कौम के लीडर बनना चाहते थे वो भी अपनी बातें सही से नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए अब समाज और वोटर और लोग सारे कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्या लगता है कि यहाँ कौन पार्टी को अच्छी आपको पोजीशन में नजर आ रही है? इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस यहाँ से आगे बढ़त बनाए हुए है, और लोगों का रुझान भी बता रहा है लोग, इसलिए कि वो चाहते हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार रहे और जो वहाँ की योजना हो वही आके लागू हो तो ज़्यादा अच्छा विकास हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्राज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।